हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय चैनल। पिछली वीडियो में हम डिस्कस किया था कि एसक्यूआई वैल्यू को कैसे चेक करते हैं एंड इफ एल्स लीडर। आज की वीडियो में हम चेक करेंगे इफ एल्स लीडर के ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसे स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट की हमें डिविजन फाइंड आउट करनी होती है, वो कैसे निकलेंगे। ओके, तो देखिएगा इसके लिए रेडी। हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको ये तो पता ही है कि आपको सबसे पहले हेडर फाइल लगानी है यहाँ पे मेन फंक्शन वर्ड में। हमने इंट के अंदर एक तो ले लिया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ड्राइंग एंड ये मेरे 6 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद मुझे टोटल और इसके बाद परसेंटेज। तो देखिएगा मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे एंटर द हिंदी मार्क्स, मैंने क्या करा पहले हिंदी के मार्क्स एंटर कर दिए। स्कैन अप परसेंटेज को 10% यहाँ पे कर देंगे एच। फिर प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे क्या कर देंगे एंटर द इंग्लिश मार्क्स। मैं इसको एक साथ भी कर सकता हूँ लेकिन जितना अलग अलग रहेगा उतना बेटर है। ओके, तो यहाँ मैंने ईमेल डाल दिया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे क्या करा एंटर द मैथ मार्क्स, मैथ्स मार्क्स। ओके, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप स्कैन ऑफ पर्सन डी परसेंट, इसको आप किसके अंदर डाल दें एम के अंदर स्टोर जाएगी। फिर मैंने प्रिंट ऑफ के अंदर एंटर द यहाँ पे डाल दिया मैंने साइंस मार्क्स। यहाँ पे स्कैन ऑफ परसेंट डी और एम परसेंट यहाँ पे एस के अंदर। फिर प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे मैंने दे दिया एंटर द एस एस टी मार्क्स। स्कैन ऑफ परसेंट डी और एम परसेंट यहाँ पे आ जाएगा आपका एस एस टी। फिर मैंने एंटर द ड्राइंग मार्क्स। Drawing marks, this kind of percent D or percent यहाँ पे आ जाएगा आपका D। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका total find out करेंगे। तो total निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो T equals to आप यहाँ पे लगाएंगे हिंदी, English हिंदी, math, science, SST और drawing। तो 6 के 6 subject का total मेरा यहाँ पे आ चुका है। ओके, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज इक्वल्स टू परसेंटेज किसके इक्वल निकलेगा, जितना आपका टोटल है उस टोटल की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और जितना आपके सब्जेक्ट है 600, क्योंकि एवरी पेपर्स 100 मार्क्स। ओके, 600 इसलिए आया क्योंकि आपका ये 600। ओके, अब अगर हमें इसका टोटल निकालना है तो प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या टाइप करेंगे आप, टोटल इक्वल्स टू यहाँ पे क्या जाएगा परसेंटेज लेसन। इसके बाद फिर निकालना है आपको परसेंटेज इक्वल्स टू परसेंट डी स्लेस एन कोट, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा टी और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा पी। तो देखिएगा अगर हम इसको इतना कंपाइल करते हैं इतना भी ये चल जाएगा। फिलहाल अब ये नॉर्मली मार्क बन चुका है, मैंने मान लो यहाँ पे डिविजन के नाम से इसको सेव डिविजन डॉट सी। तो देखिएगा हम यहाँ सबसे पहले मार्क्स एंटर करते हैं 65, ये रहा आभी रहा आपके सब्जेक्ट का मार्क्स एंटर कर रहे हैं। ओके, तो टोटल 404 आपके 67% हो चुके हैं। लेकिन मुझे इसके अंदर क्या करना है वो निकालना है, इसके अंदर वो चीज फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सी डिवीजन है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ लगाएंगे। इफ लगाने के बाद मैंने क्या करा, यदि पी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू है 60, अगर पी की वैल्यू ग्रेटर है 60 से कम है, ग्रेटर है या इक्वल है, तो उसे प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन। ओके, एल्स इफ पी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 45, तो इस कंडीशन में उसे क्या प्रिंट करना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट कर देना चाहिए सेकंड डिवीजन। ओके, सेकंड डिवीजन। फिर यहाँ पे एल्स इफ, फिर मैंने कहा यदि पी आपका ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 33, तो इस कंडीशन में उसे क्या प्रिंट करना चाहिए, थर्ड डिवीजन। ओके,
वन आइल्स में प्रिंट ऑफ के अंदर क्या रीड करेगा वो आपका फेल्ड, तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया फेल्ड। ओके अब हम इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा रिजल्ट। देखिएगा अब यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करा, यहाँ पे मार्क्स डाल दिए, गलत हो गया, दोबारा से करें। देखिए कंपाइल किया मैंने इसको, यहाँ मैंने मार्क्स डाले, देखिएगा ये फर्स्ट डिवीजन कैसे दिखा रहा है पहले तो हमें इसको जानना है। देखिएगा जो टोटल हो चुका है वो 420 हो चुका है। ओके 400 जैसे 20 टोटल हो चुका है तो यहाँ पे वो टी की वैल्यू है। देखिए टोटल मैंने यहाँ इसलिए आ रहा है। ओके परसेंटेज की वैल्यू जो है वो कितनी है 70%। ओके तो फर्स्ट डिवीजन पहले इसने यहाँ क्या चेक करा, 70 greater 60, बिल्कुल सही है 70 बड़ा है तो इसलिए वो क्या प्रिंट करा है यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन। अगर मान लो हमने क्या करा यहाँ पे कोई सेकंड डिवीजन का भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे 65 36 39 45 46 40, देखिएगा ये सेकंड डिवीजन आ चुका है। सेकंड डिवीजन कैसा है इसको चेक करते हैं। देखिएगा टोटल हो गया 272 और परसेंटेज इज 45, तो यहाँ पे जो सेकंड डिवीजन है वो कैसे रीड कर रहा है, पहले वो यहाँ पे चेक कर रहा है क्या 45 ग्रेटर है 60 से, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, क्योंकि पी की वैल्यू कितनी है 45 ग्रेटर 60, नहीं कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी, तो यहाँ पे आएगा क्या 40 ग्रेटर है 40 से, ग्रेटर नहीं इक्वल तो है, तो क्या पड़ रहा है सेकंड डिवीजन। तो इस तरह से आज हमने डिवीजन का प्रोग्राम कोड रीड किया है। ओके यदि इसको आपको अच्छे से करना है तो आप इसको एक बार नोट डाउन करके, इसको नोट डाउन करके आप इसे अपने सिस्टम पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। अब इसी टाइप का ही इफ एल्स लीडर के अंदर हम एक कोड पढ़ेंगे डिस्काउंट का। अगर हमें इफ एल्स लीडर के अंदर हमें डिस्काउंट को अप्लाई करना होता है तो हम उसको कैसे करेंगे, देखिएगा कैसे करते हैं। पहले तो इसके अंदर वही यूज करेंगे हम हेडर फाइल, मैंने इंट के अंदर यहाँ पे क्या करा है, इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले मैंने परचेज क्वांटिटी, परचेज प्राइस, वैल्यू एंड डिस्काउंट एंड कैश एंड बैलेंस, बैलेंस भी फाइंड आउट कर देंगे। ठीक ओके देखिएगा वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर, ये मैंने आपको कई बार वीडियो में भी बताया है कि आप सबसे पहले अपने नोटबुक के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर ये नोट डाउन करेंगे कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है। पहले आप उसका अपने नोटबुक पे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट बनाइएगा, तभी आप वेरिएबल डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। ओके फिर मैंने कैर के अंदर पी एन और यहाँ पे 20 और यहाँ पे पी सी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20, ये आपको पता है किस लिए कर रहा हूं मैं। मैंने क्या करा सबसे पहले एंटर द प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नेम स्कैन ऑफ करेंगे, परसेंटेज कॉमा यहाँ पे किसको पी एन के अंदर डाल देंगे। फिर हमने यहाँ प्रिंट ऑफ के अंदर एंटर द प्रोडक्ट कोड, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे इसके अंदर स्कैन ऑफ परसेंटेज कोड कॉमा यहाँ पे किसके अंदर जाएगा पीसी के अंदर। ओके फिर मुझे क्या करना है यहाँ पे एंटर द चेस क्वांटिटी, यहाँ पे स्कैन ऑफ पर्सन डी कोड एंड परसेंट इसको डाल देंगे आप पी के अंदर। फिर आपने क्या करना है यहाँ पे एंटर द परचेज प्राइस, एंटर द परचेज स्कैन ऑफ पर्सन डी कोड एंड परसेंट यहाँ पे आ जाएगा पीपी के अंदर। ओके फिर उसके बाद आप क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे वी इक्वल्स टू किसका बोल रहा है पीके इनटू पीपी। तो देखिएगा पहले तो मैं आपको इतना आउटपुट शो करा दूं तो इसमें ये दिखा क्या रहा है, यहाँ पे हमने कह दिया यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो चुका है, यानी कि टोटल आपने परचेस वैल्यू इतने का किया, परचेस वैल्यू इक्वल्स टू परसेंट डी स्लेस एन, तो यहाँ पे आप किसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे कोमा लगा के वी को। पहले इतना कोड कंपाइल करते हैं। ओके डिस्काउंट देखिएगा मैंने प्रोडक्ट क्या ले लिया, मान लो माउस ले लिया, मैंने माउस किसका ले लिया यहाँ पे डेल का।
आपने कितने माउस लिए, 25 माउस लिए, एक माउस कितने का, 425। तो टोटल जो माउस परचेज करे आपने 10,625 का। मैं कहना चाहता हूँ इस पर मुझे कोई डिस्काउंट ऑफर करे कंपनी, तो मुझे डिस्काउंट ऑफर करने के लिए मुझे इसके लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है। तो देखिएगा हम इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इफ लगाएंगे। हमने कहा यदि वी की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 5000 से, अगर 5000 से ग्रेटर है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे डिस्काउंट मिले। कितना मिले, जितने का आपने माल परचेज किया है वो क्या निकाले, वो निकाले यहाँ पे कितना परसेंट, वो निकाले यहाँ पे 30%। ओके, और यहाँ पे शो भी कर दे कि वो डिस्काउंट कितना अप्लाई हुआ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिस्काउंट अलाउड इक्वल्स टू, डिस्काउंट अलाउड इक्वल्स टू 30%, इक्वल्स टू डिस्काउंट अलाउड 30%। तो इक्वल्स टू कितना अमाउंट होगा ये भी उसके प्रिंट हो जाना चाहिए सामने कॉमा, तो यहाँ पे DIS प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसके बाद मैंने कहा else if यदि V की वैल्यू कम है किससे, 5000 से, तो वो यहाँ पे कितना परसेंट डिस्काउंट, कहने का मतलब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो सामान 5000 से ऊपर का लेते हैं तो 30% फाइंड आउट करेगा, कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो 5000 से नीचे लेते हैं तो वो डिस्काउंट कितना निकाले, DIS डिस्काउंट इक्वल्स टू V का वो निकाले कितना, 15%। तो 15%, तो ये भी चीज प्रिंट कर दे वहां पे वो, तो डिस्काउंट अलाउ 15% इक्वल्स टू कितना बैठता है, परसेंटी लगाएंगे, यहाँ पे भी परसेंटी भूल गया मैं, यहाँ पे भी आप परसेंटी लगे तभी तो वैल्यू प्रिंट होगी, कॉमा, और यहाँ पे प्रिंट कर दे DIS। ओके, वरना मैं क्या करना चाहता हूँ, एल्स वो कितना प्रिंट डिस्काउंट निकाले, DIS इक्वल्स टू वो कितना परसेंट डिस्काउंट निकाले, वो निकालते वी का कितना, 20%। तो प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे क्या करे, वो प्रिंट ऑफ डिस्काउंट अलाउ 20% इक्वल्स टू परसेंटी कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे आप, यहाँ पे क्या कर देंगे वी प्रिंट, सॉरी वी ने DIS कर रहे हैं, गलत कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान आप भी रखिएगा, मैं गलती भी करता रहता हूँ। ओके, तो अब इसको हम कोड को कंपाइल करके देखते हैं इतना आंसर क्या आता है। इसको फिर अगेन कंपाइल किया हमने, यहाँ पे देखिएगा माउस ले लिया मैंने किसका, Logitech। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कितने माउस ले लिए, यहाँ पे 20 माउस ले लिए 425 का। तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो मिल रहा है, देखिएगा जरा यहाँ पे आपने जो माउस परचेज किया है वो कितना है, 8500। तो यानी कि आपको 30% डिस्काउंट मिला, और 30% पे जो अमाउंट आ रहा है वो 2550 का आपको डिस्काउंट अलाउ हो रहा है। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे यहाँ पे, तो आप एक चीज देख रहे होंगे ध्यान से, अगर यहाँ पे परसेंट साइन लग रहा है तो परसेंट साइन प्रिंट नहीं कर रहा। कारण क्या है कि मुझे इसके अंदर एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, जिससे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पी, और पी के अंदर मैं असाइन कर दूं इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर परसेंट सी साइन, परसेंट सी। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अगर हमें परसेंट सी साइन प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली लगा देंगे परसेंट सी, और उससे पहले यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, यहाँ प्रिंट हो जाएगा आपका पी, P, यहाँ पे P प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या लगा देंगे आप, यहाँ पे भी परसेंट सी कॉम, यहाँ पे लग जाएगा आपका P कॉमा। इसी तरह से इसके लिए भी यहाँ पे भी क्या जाएगा, परसेंट सी और यहाँ पे P कॉमा। अब इसको रन करें अगेन, इसको कंपाइल करते हैं। साबुन लिया मैंने 100 परसोना का, मैंने यहाँ पे 45, ये कितने का है, 57 का, चेक कीजिए आपको यहाँ पे, यानी कि टोटल सामान आपका इतने का हो गया, 50% पे आपको 384 रुपए का आपका डिस्काउंट मिल रहा है। अब मुझे देखना कि मेरा बिल कितने का बैठता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल निकालना है, तो टोटल मुझे वेरिएबल निकालना है, टोटल भी यहाँ एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक वेरिएबल टोटल बना लेता हूँ, कॉमा लगाया टोटल। तो टोटल यानी कि क्या होगा, आपको टोटल कितना होगा बिल बैठ गया, तो यहाँ पे टोटल इक्वल्स टू जितना वी है उसमें से घटा देंगे आप डिस्काउंट। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ऑफ मेरा यहाँ पे टोटल अमाउंट पे, टोटल अमाउंट पे कितना करना है आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा, यहाँ पे आपका टोटल प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमें निकालना कैश पेड, आप कितना कैश पे करना चाहोगे, मैंने यहाँ पे दे दिया एंटर द कैश पेड, कितना कैश पेड आप पे करोगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कैश पेड लिख दिया,
और वो स्कैन कर देंगे आप स्कैनर किसके अंदर, कैश के अंदर। तो परसेंट डी कॉमा एम परसेंट, इसको कहां पे डालेंगे इसके अमाउंट, कैश के अंदर। तो बैलेंस निकालेंगे, तो बैलेंस निकालने के लिए देखिएगा मैंने क्या वेरिएबल लिया है, बैलेंस निकालने के लिए बीएल, बीएल इक्वल्स टू, तो क्या करेंगे जितना आपका टोटल है उस टोटल में से हमेशा कैश, सॉरी गलत कर रहा हूँ, कैश में जितना हमने कैश पेमेंट किया और कैश में से आपका हमेशा टोटल माइनस। तो यहाँ पे आपका कितना बैलेंस बच जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम टोटल बैलेंस पेड, टोटल बैलेंस पेड रुपीज में है तो आर एस इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा, यहाँ पे किसको प्रिंट कर देंगे आप, बैलेंस को। ओके, अब ये हमारा पूरा एक मीनिंगफुल प्रोग्राम बन चुका है डिस्काउंट का। इस तरह से आप इसको रन कैसे करते हैं देखिएगा, मैं माउस लिया डेल, आपने कितने 45 माउस ले लिया 425, तो यहाँ पे देखिएगा एक थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं इसको सही कर देता हूँ, अभी समझ नहीं आएगा वरना आपको, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं कहना चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में जाए तो यहाँ पे सिलेशन लग जाएगा, ओके, और ये भी थोड़ा नेक्स्ट लाइन में जाए सिलेशन, ओके, आप रन करते हैं, आप कंपाइल करते हैं कोड को, सॉप परसोना, देखिएगा क्वांटिटी मैंने 45 ले ली, ये कितने की 57, तो देखिएगा फिलहाल यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपको नए सामान जो लिया है 2565, ओके, डिस्काउंट आपको जो ला हुआ वो 384 का, यानी कि 15% आपको छूट मिला है, और 15% पे आपको, यानी कि आपको अमाउंट जो टोटल पे करना है वो आपको करना है 2181, लेकिन आप कितना जाओगे, 2000 रुपए आपने कैश पेड कर दिया, तो आपका देखिए बैलेंस माइनस में आ चुका है 81 रुपए। तो कहीं गड़बड़ है डिस्काउंट में, यहाँ भी सिलेशन, यहाँ भी जो सॉरी यहाँ पे ले रहा है डिस्काउंट में, इससे और अच्छे से पता लग जाएगा आपको, यहाँ सिलेशन, यहाँ भी सिलेशन, यहाँ पे भी सिलेशन, ओके, आप करें रन, ओके, कीबोर्ड लॉजिटेक, ओके, मैंने कितने माउस ले लिए 50, ये कितने का 625 रुपए का। तो आप देखिएगा ध्यान से जरा, आपने जो माउस कीबोर्ड परचेज करा टोटल 31,250 रुपीज का इतने का, ओके, आपको जो डिस्काउंट ऑफर हुआ 30% अप्लाई हुआ, तो आप इतना वैल्यू का 30% आप अपने कैलकुलेटर में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 9,375 आ चुका है। फिर उसने क्या करा, टोटल बिल आपको पे करा, जब आपको डिस्काउंट इतने का मिल गया तो जाइए से बातें 31,250 में 9,375 जुड़ने चाहिए, घटने चाहिए, जाहिर सी बात है घटने चाहिए, तो घट के जो बैलेंस आया माइनस होके 21,875 रुपीस। फिर कह रहा है कि आप कितना कैश पेमेंट करोगे, आप अगर बिल आपका मान लो 21,800 इतने का बिल गया, तो मैंने बिल दे दिया 22,000 का, तो देखिएगा आपका जो बैलेंस बचा है 125 रुपए आपको वापस लेने हैं, 125 रुपए का आपका बैलेंस निकला। हमें कैसे पता लगा कि हमें लेने हैं देने, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब आपका कस्टमर का बैलेंस बचा हुआ है, अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब रिटेलर को बैलेंस पे करना है, फिर वो बैलेंस है रिटेलर का। देखिएगा मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ आपको दोबारा से, कोड काफी लेंथली है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखिएगा मैंने यहाँ प्रोडक्ट नेम एंटर कर दिया, यहाँ प्रोडक्ट कंपनी क्योंकि वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेगा, यहाँ मैंने क्वांटिटी इंटीजर मार्ग में ये प्राइस एंटर कर दिया, इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई कर दी दोनों का वैल्यू निकाल लिया। जैसे ही वैल्यू निकलेगी तो यहाँ पे वो चेक करेगा, यदि वी की वैल्यू ग्रेटर हुई 5000 से तो वो क्या करेगा, वी का 30% निकाल के उसको प्रिंट कर देगा, तो ये पी से परसेंट साइन और यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू, अगर वी की वैल्यू 5000 से कम हुई तो वो यहाँ प्रिंट कर देगा 15% डिस्काउंट कैलकुलेट, यदि यदि मान लो इक्वल है, अगर 5000 का ही स्टॉक है तो वो निकालेगा 20%, ओके, तो फिर इसके बाद जो भी डिस्काउंट होगा वो क्या करेगा, जो वीक वैल्यू डिस्काउंट जो बिलिंग है वो इसमें से आया मैंने, तो आपको इतने का बिल पे करना है, ओके, फिर इसके बाद वो पूछेगा आपके इस पेमेंट, आप कितना कैश पेमेंट करना चाहोगे, यहाँ से कितना कैश पेमेंट करना हो, कैश रकम एंटर डाल के फिर कैश में से आप क्या कर देंगे, इसका टोटल माइनस कर देंगे, तो बैलेंस यहाँ से बच जाएगा, फिर यहाँ पे कैश पेमेंट हो जाएगा। मैं इसमें एक और काम करता हूँ, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, मैं यहाँ पे इसको एक आर एस के रूप में लिख देता हूँ, जिससे पता लग जाए कि हम थोड़ा सा कॉमर्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ओके, अब चेक करें,
मान लो मैंने माउस लिया, डेल का ले लिया, लेकिन मैंने इस बार 36 माउस ले लिए, एक माउस की जो कीमत है वो है 425 रुपए, तो देखिएगा 30% अप्लाई हो रहा है, 15,300 का आपने माउस खरीद लिए, आपका जो डिस्काउंट ऑफर हुआ 4,590 रुपए का आपको डिस्काउंट 30% मिल चुका है। आपको जो बिल पे करना है 10,710 रुपए का पे करना है और आपने मान लो 10,000 रुपए का पे बिल पे कर दिया। ओके, तो देखिएगा माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब ये पेमेंट कस्टमर को देना है, रिटेलर को देना है, माइनस में आ गया। ओके व्यूअर्स, कैसा लगा आपका मेरा लेक्चर? यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि इसमें आपको कोई डाउट हो, किसी वीडियो में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, और हाँ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरा वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। ओके व्यूअर्स, बाय, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग।